ऋषि कहु राज ऋषि क्या कह तू योगी राज ने श्री राम सेव महाराज ने ब्रह्म ऋषि कहु राज ऋषि क्या कह तू योगी राज ने श्री राम सेव महाराज ने तो ब्रह्म ऋषि कहु राज ऋषि क्या कह तू योगी राज ने श्री राम देव महाराज ने और महाराज श्री ने ये सोया भारत जगा दिया ये सोया भारत जगा दिया। कैसे जगाया? स्वामी जी ने कपाल भाती और अनुलोम विलोम करके एक टॉनिक दे दिया। क्या? ये सोया भारत जगा दिया ऐसा इंजेक्शन लगा दिया ऐसा इंजेक्शन लगा दिया ऐसा इंजेक्शन लगा दिया। करा योग रोग को भगा दिया करा योग रोग को भगा दिया जनता तेरी आवाज तने श्री राम देव महाराज तने ब्रह्म ऋषि कहु राज ऋषि क्या कह तू योगी राज तने श्री राम देव महाराज तने। बरसात से बूंदों से डरोगे तो नहीं ना? भाई पहले भी वहां बल्लभगढ़ में भी जोर को तूफान हो गया और भाई गड़बड़ हो गया काम जाते ही राम जी आगे बरस पड़ा। इसका मतलब पहले यूं कहते थे कोई बहुत बढ़िया काम हो ना तो इंद्रदेव प्रसन्न होते और आकाश से पुष्प वृष्टि होती है, इसका मतलब भगवान राजी है। और भाई देश में भी एक आंधी एक तूफान आया हुआ है और 2014 में उस तूफान में सारे पापी उड़ जाएंगे, बाद धर्मात्माओं का राज कायम हो जाएगा। तो देखो अब समय कम है, आप दूर दूर से गांव गांव से यहां पर आए हुए हैं और पहले भी जब पलवल में शिविर हुआ तब मैंने देखा कि यहां लोगों में अद्भुत उत्साह है और पूरे देश में यूं तो मैंने करोड़ों लोगों के कार्यक्रम किए हैं लेकिन जो उत्साह जो चाव जो भाव जो निष्ठा मैंने पलवल में देखी है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी। तो भाइयों बहनों थोड़े भीग जाओ तो कोई बात नहीं, मैं तो पहले भीग गया था फिर सूख गया, अब दोबारा भीग जाऊंगा। जब मैं दो बार भीग रहा हूं तो एक बार तो थमने भी भिगोना है भाई, ठीक है ना? तैयार हो? तो दो तीन बातें मैं कहता हूं। एक तो भाई नियम बढ़ा लो जिंदगी का कि सुबह उठ के सबको करना है योग। सुबह सुबह क्या करना है योग में? एक तो ये भस्त्रिका आता है ना सबको, जरा करके दिखाइयो। दो से पांच मिनट तो ये कर लियो, ठीक है? फिर ये कपाल भाती सबको करना है। बहुत सरल है ना, बीमारी कोई लगेगी ना बुराई कोई लगेगी, इतना जबरदस्त है ना? तो भाई अब तो ऐसे बरस रहा जैसे सावन में बरस रहा हो राम जी। तो कोई नहीं, धीरे धीरे करके थम गीले भी हो जाओगे और बाप भीग तो गए ही, भागोगे तब भी भीग गए और ना भागोगे तो भी भीग गए, तो इसलिए बैठे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कपाल भाती देखो ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है ना? क्या नाम है इसका बोलो? इस कपाल भांति के बाद देखो ये बाह्य प्राणायाम कैसे, आप लोग भी कर लेना जिससे जितना हो पाए, है ना? ये बहुत जबरदस्त है। फिर इसके बाद होती है अग्निसार क्रिया, देखो ऐसे,
और फिर होता है एक नौली क्रिया का अभ्यास, उसमें थोड़ा समय लगता है ऐसे, इसको करने के लिए ना थोड़ा अभ्यास चाहिए। अब किसी का मोटा पेट हो रहा, आगे से घुमावे तो आगे से तो निकले, को नहीं पीछे से घुमाने लग गया। मैंने कहा भाई तेरा तो बैग गिर लग गया। तो इसमें थोड़ा अभ्यास चाहिए, सबको शरीर को साधना है पूरी तरह से। देखो ये बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, फिर ये अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी ओम, ये सब देखते ही हो ना रोज आप लोग, ये तो रोज कर लियो। अब दो मिनट और बैठ जाओ, बैठ जाओ, भीख तो गई कोई बात नहीं। अब जितना समय बचेगा बाकी बात भी कहूंगा। दो बात और कह देता हूं बीच में। इस बार देखो दो कामों के लिए आया हूं मैं। एक तो सुबह सुबह करना है योग सबको, सुबह सुबह क्या करना है, और दिन में करना है कर्मयोग। दिन में क्या करना है, कर्मयोग, पुरुषार्थ, मेहनत करनी है। और इस चुनाव के समय करना राजयोग। चुनाव के समय क्या करना है, एक वो भ्रष्ट लुटेरी पार्टी जिसने लाखों अरबों खरबों के घोटाले किए, वो तो डिप्रेशन में है, और देश को अब आशा है, विश्वास है, उम्मीद है एक जगह। अब तो इस हिंदुस्तान का एक फकीर ही हिंदुस्तान का वजीर बनना चाहिए, एक ऐसी उम्मीद देश में जगी है। तो भाई इसके लिए भी आप लोग सब लोग काम करना। और भाई जो घने वर्षों से आप जो सुन रहे थे ना 1,000,00,000 करोड़ का काला धन है, कितने का, फिर वो इस बार दिला देंगे, घने दिन हो गए। और वो जब धन मिलेगा तो देश में कोई निर्धन, कोई गरीब, कोई अनपढ़, और कोई किसान आत्महत्या, कोई देश का बच्चा भूखा, कोई बीमार होकर के फिर मरेगा, फिर ये हिंदुस्तान दुनिया में किसी से भी पीछे, इतना ताकतवर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 1,000,00,000 करोड़ लुटे देश के, कितने, ये इतना पैसा होता तुम इसकी गिनती भी ठीक से नहीं कर सकते। तो जैसे आप अपने घर परिवार की संपत्ति बचा के रखते हो, ऐसे इस राष्ट्र की संपत्ति को भी बचाना है। आज भाई मेरी इच्छा तो थी कि करीब 2 घंटे आपके बीच में रहूंगा, लेकिन भगवान ने कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद दे दिया है, और यह आशीर्वाद इस रूप में दिया है कि अब देश के बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, राष्ट्र का मंगल होने वाला है। भाई जब राम जी राज्य है, भगवान ही राज्य है, तो फिर तो अच्छा ही अच्छा काम होगा। तो अब इन बुरे लोगों का सबका नाश भी होना है। तो अब भाई मैं आपके धैर्य की ज्यादा परीक्षा नहीं लेता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, पूरे देश में मैंने करीब 12,00,000 किलोमीटर की यात्रा की है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं और शिविर किए हैं, और उसमें मैंने पलवल को सबसे आगे पाया है। पहले जब योग का शिविर हुआ तब भी, और अब 5 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहे, और इसमें दिल्ली में भी मैंने कई बार बुलाया, और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा भागीदारी पलवल और फरीदाबाद वालों की होती है। एक एक गांव से, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, माँ बहन बेटियों से लेकर के, सब खूब आगे रहते हैं। मैं बस आज अब आपकी ज्यादा परीक्षा नहीं लेता, बोलता रहू, बोले बाबा भिगा तो दिया ही, अब तू अपने वाला प्रसाद तोड़ दे दे। तो आज जो है, पहले मैंने कहा उधर वल्लभगढ़ में, मैंने सोचा था कि शायद इधर सूखा होगा पलवल में, लेकिन आते आते भगवान जी भी साथ साथ ही चल रहा है। तो आप सबको भगवान खूब राजी रखे। और तो अभी तो पूरे आ भी नहीं पाए थे, अभी तो गांव से घने तो आ ही रहे थे, लेकिन जितने आए उनको भी, जो आ रहे हैं उनको भी खूब खूब आशीर्वाद। एक बार जरा मेरे साथ हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे। तो भाई बहनों तो अभी मैं अपने सभी कार्यकर्ता जो बहुत निष्ठा से इस अनुष्ठान में लगे हैं और घर घर में अलख जगा रहे हैं, भाई जयप्रकाश जी, भाई सुधीर जी, चरण सिंह जी, भीम सिंह जी और बहन कुमारवती जी और सारे वो कार्यकर्ता जो अलग अलग तहसीलों में, भाई योगेश जी, रामवतार, विजेंद्र, उमेश, विजय और मानली, हरकेश, शेर सिंह, हेमदत्त, प्रेमवती, विनय, धन सिंह, संतोष, सतीश, कर्मी आदि सभी कार्यकर्ताओं का, माँ बहन बेटियों का सबका अभिनंदन। बहनों तुम भी खड़ी हो लो अब, बोलो भारत माता की। जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो पाले पोसे कष्ट उठाए, पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। ओ जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया। बोले भारत माता की। दो दिन पहले ही पलवल और वल्लभगढ़ का कार्यक्रम दिया था फरीदाबाद का, और दो दिन में ही थमने तो एकदम डुंडा पाड़ दिया। तो मुझे इतना विश्वास है फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल पर कि यहाँ तो 24 घंटे पहले भी कोई काम दिया जाए तो बस सबसे आगे पाएंगे। तो अब कोई बात नहीं, वर्षा हो गई सो हो गई, लेकिन अब बंद हो गई। ये तो फिर लौट आए। तो अब सुनो, तो एक तो देखो सामने सुबह सुबह करना है योग। सुबह सुबह क्या करना है बोलो, ये योग मत छोड़ियो, फिर तुम्हारी तबीयत, तुम्हारी तंदुरुस्ती एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी और दिमाग भी ठीक रहेगा। आदमी दिमाग ठीक ना रहो तो ठेके पे जाओ फिर। हाँ, आदमी का दिमाग नहीं ठीक रहता तो कहाँ जाओ, आदमी ठेके पे जावे, झगड़ा करे, उल्टा पुल्टा काम करे। शरीर ठीक हो और दिमाग ठीक हो तो फिर आदमी कोई गलत काम और उसके जिंदगी में कोई उस बुरा भी। देखो एक तो सुबह सुबह सब ये प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ सुनो जो जवान जवान है ना उनको एक तो ये आसन बता देता हूँ थोड़े से, 10 मिनट के आसन जवानों के लिए। कितनी देर के, 10 मिनट खाली। जो जवान जवान है वो एक तो ये शीर्षासन क्या करो, शुरू में दीवार के साथ जितने भी जवान है सब करना, और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं हो, बड़ी उम्र में भी कर सकते। ये सब जवानों को करना है। जो जवान शीर्षासन करेंगे उनको कभी आंखों पर चश्मा,
उनके कभी बाल उड़ेंगे नहीं, नहीं तो बहुतों की खेती उजड़ गई है। जो शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग भी तेज रहेगा। उन 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट आप बालकों को 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट, फिर और ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट कर सकते हो। 10 मिनट बहुत है, फिर घना मत करियो, हाँ कभी पूरा ही शीर्षासन हो जाए। ये बच्चों के लिए 3 बहुत जरूरी है। एक का नाम है सर्वांगासन, क्या नाम है बोलो, दूसरे का नाम है हलासन, दूसरा और तीसरा चक्रासन। ये आसन करने वाले बच्चों की हाइट बहुत अच्छी रहेगी, कोई बीमार, कोई छोटा भी और मोटा भी नहीं रहेगा, ना छोटा ना मोटा ना नाटा, कुछ एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत रहेगी। हाँ, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं बच्चों की तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए, बच्चे किसी बीमारी में ना फंस जाए, किसी बुराई में ना फंस जाए। जो योग करेगा किसी बीमारी में बुराई में, यूं कहे बाबा जी हवा बहुत खराब चल रही जमाने की, जो योग करेगा वो हवाओं के रुख में नहीं बहेगा, वो हवाओं का रुख बदल देगा, इतना मजबूत होगा उसका चरित्र। बच्चों को योग कराओ सुबह सुबह, फिर ये करवाए तो ये आगे झुक के माथा घुटनों से लगा, पता लग गया कहां लगाना, माथा घुटनों से लगाना है ना। अब बहुत से तो गोड्डे ठाक के लावे हैं, ऐसे मत करना, ये बच्चों के लिए बताया है ना। फिर देखो जो बच्चे और जवान है ना उनको सूर्य नमस्कार करना है, क्या करना है, जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो कभी बीमार और शरीर भी एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और यूं बाबा ताकत की दवाई दे दे, यूं कहा बाबा मतलब वो बॉडी बना दे। ओ मेरा बेटा घी खावे, एक पीपा घी खा गया एक टोपा वजन नहीं बढ़ा, क्यों, ऊपर से खाया नीचे से काट दिया, बीच में डटा ही नहीं। तो योग करोगे तो ताकत आवेगी, ताकत भीतर है, ताकत कहाँ है, और बाहर ताकत की दगावी खाओ, भीतर का तेल खत्म हो गया ऊपर से तेल लगाओ, सब कहाँ है बोलो, भीतर। सुबह सुबह उठ के एक तो प्राणायाम करना, आसन व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार करना और दौड़ लगाना। सूर्य नमस्कार कैसे होता है देखो, ऐसे ये देखो, ये जो सूर्य नमस्कार है ना ये 5 बार से शुरू करके 10 बार और 50 बार कर सकते हो, कितनी बार, 50-100 बार भी करते हैं कुछ लोग, तो 100 बार करने में 20 मिनट लगते हैं। देखो मैं थोड़ी देर करके बता रहा हूँ, देखो ये पहला श्वास भर के पीछे, श्वास बार छोड़ के आगे, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ में तो आ गया ना, बापू के हाथ में फावड़ा हड़का लग गए, जब करोगे तो जोर पड़ेगा, इसमें संतुलन भी बनाना पड़ेगा। फिर यूं कहा बाबा मसल बढ़िया होने चाहिए, तो मसल बनेंगे है? अब बहुत से जवान तो ऐसे हैं, चेहरा ऐसे जैसे किसी ने आम चूस के गुडली फेंक रखी हो, और उठे बैठे तो यूं कहा बाबा तारे से टूटे, मैंने कहा और कोका कोला पेप्सी पी ले, फिर सूरज और चांद भी तेरे ऊपर ही टूट के पड़ेंगे। देखो जवानों को ना सुबह सुबह करना चाहिए व्यायाम, क्या करना चाहिए, देखो जिनको बहुत अच्छी तंदुरुस्ती बनानी है ना उनके लिए एक नियम बता रहा हूं, क्या है नियम, सबसे जो है ये
छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात भी है। जो अच्छी तंदुरुस्ती बनाना चाहते हैं एक तो अच्छा खाना खाओ, दाल रोटी सब्जी घी दूध जो अपने गांव में मिलता है, और रोज व्यायाम करो एक घंटा। कितनी देर? अरे एक घंटा सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 5 से 6 एक घंटा व्यायाम नहीं कर सकते क्या? अरे 100 साल तक जवान रहोगे, नहीं तो बहुत से तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे। तो सुनो, एक घंटा सुबह सुबह योग करना है, एक घंटा क्या करना है, और एक घंटा जो सुबह सुबह योग कर लेगा ना, फिर एकदम शेर की तरह जिंदगी को जिएगा। सुनो, ये जवानों के लिए बताया था सूर्य नमस्कार। दूसरे अब दंड क्या लगानी, पहले दंड बैठक लगाते थे ना, अभी भूल गए, याद दिला दो, पिछली बार शिविर में आए थे तब से कर रहे हो, थारा चेहरा बता रहा कर रहे। हाँ तो सुनो, सुबह सुबह ये 12 दंड लगाना, कैसे? देखो, एक श्वास में एक दंड लगेगी तो भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाएगा, यही श्वास लिया और यही छोड़ा। देखो ऐसे, तो ये पहली दंड, ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण दंड। क्या है ये? 5 से 10 लगा लियो, ठीक है, 12 बताऊंगा, 10-10 भी लगाओगे तो कितने हो जाएंगी, 120 कर लियो। दूसरा ये है, और ऐसे ही आ गए, एक श्वास में एक अभ्यास होगा। मजेदार है ना, ताकत नहीं होगी तो ये वापस आते समय ये यही दया मिलेगा, वापस आते समय ताकत लगती है। तो फिर आपके मसल्स ना ऐसे खिली भी रहेंगे, एक एक मसल जो है ना फूल की पंखड़ियों की तरह, कहीं जिम जाने की जरूरत। तो 2 तो हो गए, एक तो हुआ साधारण दंड, दूसरी राममूर्ति दंड, क्या नाम था? और किसी को सीना चौड़ा करना है तो क्या करे, फाड़ेगा पकड़ के? ना ना, श्वास भर के यूं करियो, यूं एक साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे पूरा, है ना, थोड़ा डाटा डाट के। सुनो, ज्ञान से बढ़ता है ज्ञान, ज्ञान से क्या बढ़ता है, प्रेम से क्या बढ़ता है, धन से क्या बढ़ता है, और ताकत से क्या बढ़ती है, ताकत बढ़ानी है, ताकत लगावा नहीं मेरे बेटा, ताकत से ताकत बढ़ेगी, 3 हो गए। चौथा है, ये है वक्ष विकास शक्ति, अब चौथा है हनुमान दंड, क्या है बोलो? हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर कोई है, बॉडी बिल्डर है कोई? वो सबसे बड़े रोल मॉडल आइकॉन है, ठीक है, कैसे? ऐसे सांस भर के ऐसे आराम आराम से, और फास्ट करो तो, फास्ट करो तो ऐसे, राम जी जोर से गरज रहे हो, फिर ये ऐसे। करोगे ना, ये ऐसे करने से पूरे शरीर में ताकत रहेगी, ये है वृश्चिक दंड, क्या नाम है? फिर पार्श्व दंड, कैसे? पैर ऐसे चला गए और ऐसे झुक गए, एक श्वास में एक अभ्यास। जल्दी 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 करेगा तो अभ्यास से ये जल्दी जल्दी होगा। ऐसे, और फिर है चक्रदंड, कैसे? इसमें संतुलन बनाना पड़ेगा, ऐसे ये ऐसे आया, इससे शुरू में तो चक्री बन जाएगी, ताकत लगेगी ना तो शरीर में संतुलन आएगा। फिर चक्र दंड के बाद है पलट दंड, क्या नाम है? इसमें पलटी मारनी पड़ती है, कैसे? ऐसे
अब मोटे से के तो गाड़ी पलट जाएगी, थोड़ी ताकत लगी। फिर शेर दंड, ठीक है ना? शुरू में ना मिट्टी में करियो, पढ़ो तो हाथ पैर नहीं टूटेंगे। तो ये शेर दंड क्या थी? ये फिर है सर्प दंड। किसी किसी को शौक रहता है ना कि हमारी ये भुजाएं मजबूत बननी चाहिए ना, तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 तीन बार करके फिर वापस आना है ना। तो ये बाजू है ना, इसके बराबर में रहेंगी, छाती के बराबर में। और ये लास्ट है मिश्र दंड। क्या नाम है? ये 100 से लेके 500 लगा लियो। कितने? 500 लगाइयो। ऐसे ऐसे एक श्वास में पहले लगाते थे ना। ऐसे 2 मिनट में 100 बार देखी है ना आपने। मैं खुद करता हूं इसलिए कहता हूं। फिर ये 12 दंड 8 बैठक बैठक होती है। देखो, दंड से ऊपर का शरीर, भुजाएं, सीना, ये मजबूत बनेगा, है ना। तो जवानों, सबको बॉडी बनानी है ना, तो ये रोज करना, ठीक है। फिर नीचे से भी शरीर मजबूत रहना चाहिए, नहीं तो किसी की टांगे सिगरेट जैसी और हाथ बीड़ी जैसे सूखे सड़े। ऐसे नहीं, देखो पेट कम करने के लिए एक तो ये सभी को ना, जवानों को। अरे ऐसे उन्होंने बैठ जाए तो ऐसे तो बैठो, और ऐसे भी ना बैठ जाए तो कुर्सी पे बैठ जाओ, पैर नीचे लटका के। ना ना, खड़े मौके मत करियो, कुर्सी पे बैठ के कर लो। जिनके गोड्डे ना मुड़ते हो और गोड्डे दुखते हो तो हल्दी, मेथी, सौंठ पाउडर करके खाओ, थोड़ी थोड़ी, तीनों मिला के रख लो। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी समान मात्रा में लेके, 100 ग्राम सौंठ पाउडर करके, 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम को दूध से ले लो। और फिर चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला कैप्सूल, और ज्यादा ही गोड्डे दुखे तो योगराज गूगल ये ले लो, तो गोड्डे दुखने बंद हो जाएंगे, घोड़ों के दुख है। समझ में आया? इसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है? इससे दिमाग भी ठीक रहेगा और किसी के मन में खराब विचार। अब देखो, एक बड़ी सी बात कह रहा हूं जिंदगी के बारे में, सुन लो। यो घने उड़ज पुड़ज रहे, यू ही नहीं बेरा पाटता कि ये जिंदगी है क्या, तो जीवन किसके लिए है? तो सुनो जरा गौर से, जिंदगी है मेहनत करने के लिए। जिंदगी किसके लिए बोलो? याद रखना हमेशा, जिंदगी में एक ही काम है। जिंदगी किसके लिए बोलो? बचपन से लेकर के और जब तक अंतिम श्वास चलता है तब तक क्या करो? उसी को संस्कृत में बोलते हैं पुरुषार्थ। क्या है बोलो? अब ये मेहनत किधर होनी चाहिए? ये मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। मेहनत किधर होनी चाहिए? सही दिशा में होनी चाहिए। जीवन में कोई समर्थ मार्गदर्शक गुरु होना चाहिए जो अपने को गाइड करे कि भाई किधर चलना है, ठीक है। और एक बात और, सुबह उठते ही सोचना जिंदगी किसके लिए बोलो,
मेहनत करने के लिए। जिंदगी किसके लिए बोलो? मेहनत करना अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सत्य के लिए। ये तो उसका विस्तार है फिर बाद में। फिर एक अगली बात, जीना कैसे भाई? कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, तो जिस पोजीशन पर होता है वैसा उसको व्यवहार करना पड़ता है कि नहीं? तो तुम्हारी क्या पोजीशन है? तुम एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, तुम क्या हो? आदमी। तो आदमी तो देखने में लागो है, लेकिन आदमी भी तो बहुत से डांगरू जैसा व्यवहार करे। तो भाई सुनो, ये बहुत गहरी बात है। आदमी हो तो कैसे जियो, तुम्हारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। देखो सारा खेल दुनिया का माइंडसेट का है। किसका है बोलो? मैं फकीर बना तो किसी ने बनाया? मेरे विचारों ने, मेरे दिमाग ने, मेरे माइंड ने, ठीक है ना। मैं फकीर बना तो किसने बनाया मुझे फकीर? दिमाग ने। और कोई दारू पीता है तो उसको दारू कौन पिलाता उसका? कोई मांसाहारी है तो क्या मांस खिलाता उसका? कोई शाकाहारी है तो उसको कौन खिलाता शाकाहार? कोई आदमी सच और झूठ बोलता है तो किससे? दिमाग से। सारा खेल किसका है? मैं यहां भी आया तो मेरा एक दिमाग है, मेरे दिमाग में एक फितून है, एक पागलपन है, एक जुनून है कि देश में से बेईमानों का राज खत्म करना है। फिर तुम यहां क्यों आए? तुम में भी वही जुनून है। दारू पीने वाले के पास दारू पीने वाले पहुंच जावे, कुश्ती करने वाले के पास कुश्ती करने वाले पहुंच जाए, अफीम ची वाले के पास अफीम खाने वाले पहुंच जाए, तो देश बचाने वाले एक जगह खड़े हो गए हैं। तो सुनो, सारा खेल किसका है बोलो? दिमाग का। देखो हम हैं भगवान के बेटे। किसके बेटे हैं बोलो? भगवान की संतान है। माता सुन लो, हम किसकी संतान है बोलो? जोर से बोलेंगे, किसकी संतान है? और हम हैं ऋषि मुनियों की संतान। किसके हैं बोलो? शेर का बच्चा क्या हुआ है? और हाथी का? तो ऋषियों का, ऋषियों की संतान। तो हम किसकी संतान है? और हम भी क्या है? तुम भी सब ऋषि मुनि हो। लेकिन बहुत से ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिष्य पुत्र हो जावे, ये गड़बड़ है। तो ऋषि पुत्रों को शिष्य पुत्र, तो ऋषि पुत्रों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऋषियों भगवान के बेटा बेटियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? आचरण वाणी कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा। बोलते ना भाई, ये आदमी तो भगवान जैसा है, है? कैसा है बोलो? ये आदमी तो ऐसा ही बनना है आपको, इसलिए बुलाया है शाम को, ठीक है। आज शाम से जो कुछ गड़बड़ी थी तो आज खत्म कर लेना, ठीक है ना। तो सुबह से शाम तक ऐसे जियो जैसे मैं किसका बेटा हूं बोलो? भगवान की संतान हूं, ऋषि मुनियों की संतान हूं, भारत माता की संतान हूं, भारत माता का बेटा हूं, ठीक है ना। तो हमारा आचरण का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए, हमारी पोजिशन ये है। लोग यूं कहना, देखो भाई ये भाई सीएम को तो ऐसा व्यवहार, प्रधानमंत्री को ऐसा व्यवहार, तो आप सबको इसी माइंडसेट पर जीना है। तो कोई ना कोई तो माइंडसेट पर आदमी को काम करना ही है ना। तो हमारा माइंडसेट किस वाला? डिवाइन माइंडसेट होगा। कैसा माइंडसेट? तो आप सबको हमेशा सोचना है, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ऋषिमुनियों की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, अब राम जी का दोबारा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो जाने से पहले यही आपके लिए संकल्प कि आप सबको, सब बोलेंगे एक साथ, हम संकल्प करते हैं योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, अपने जीवन में अखंड रखेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।